For same video in English, check link in description and above I button. दोस्तों अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को पीलिया हो गया है, जॉइंटिस हो गया है और आप अगर उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पहली चीज़ तो फूड आइटम्स जो कि आप इसमें लेंगे, क्योंकि इस दौरान फूड आइटम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके पीलिया को खत्म करने के लिए। तो आपको कौन से फूड इसमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेस्ट होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन सी होम रेमेडी आपको यहाँ लेनी चाहिए जिससे कि आप 3 से 5 दिन के अंदर पीलिया से पूरी तरह छुटकारा पा सकें। और तीसरी चीज़ वो बीमारी जिसकी वजह से आपको जॉइंटिस या पीलिया की समस्या हुई है, यानी कि आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये समस्या हो सकती है, किसी तरह का हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह की सीवियर डिजीज जैसे कि टाइफॉइड वगैरह बिगड़ जाना, तो इस तरह की समस्या आपको हो सकती है, उसकी वजह से आपको जॉइंटिस अगर हुआ है तो आपको सबसे पहले तो उस बीमारी को इलाज करना पड़ेगा। तो अगर आपने इस बीमारी का इलाज कर लिया है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो फूड आइटम्स जो कि आपको जॉइंटिस के दौरान या पीलिया के दौरान लेने चाहिए, और साथ ही बताऊंगा वो होम रेमेडीज जिससे आप 3 से 5 दिन के अंदर जॉइंटिस या पीलिया को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि आपको जॉइंटिस या पीलिया के दौरान नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन्हें, और उसके बाद बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में या उस डाइट के बारे में जो कि आपको इस जॉइंटिस या पीलिया के दौरान लेनी चाहिए जिससे कि आपकी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि आपको जॉइंटिस या पीलिया के दौरान अवॉइड करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। पहली चीज़ है आपको ऑयली और फैटी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि कोई भी तली चीज़ें, कोई डीप फ्राइड चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा सब्जियों में भी तेल अगर आप डाल के खा रहे हैं तो इस दौरान आपको नहीं खाना है। इससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ खाते हैं उससे आपको आपका जो लिवर है उस पर जोर पड़ता है, पहले ही बेचारा बीमार है, अगर आप उस पर और ज़्यादा जोर डालेंगे तो वो कहाँ से रिपेयर करेगा, कहाँ से फंक्शन करेगा, तो आपकी बॉडी और बिगड़ती जाएगी, आपकी हालत और बिगड़ती जाएगी। तो इस दौरान आपको ऑयली और फैटी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी चीज़, इस दौरान आप ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका लिवर पर जोर पड़ता है। बेचारा लिवर जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वो बीमार है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसका ख्याल रखना है, उसका एक बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपको मिर्च मसालेदार चीज़ें खा करके उस पर जोर नहीं डालना है, उसकी रिकवरी को फास्ट बनाना है, जल्दी बनाना है, तो इसके लिए आप थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें कम कर दीजिए, क्योंकि डाइजेशन पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तीसरी चीज़ अवॉइड करना उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, अगर आपको जॉइंटिस या पीलिया हुआ है तो इस दौरान आप नॉन वेज का सेवन ना करें, किसी भी तरह का मीट या एग भी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी रिकवरी स्लो हो सकती है। तो ये तो थे वो फूड आइटम्स जो कि आपको जॉइंटिस या पीलिया के दौरान अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो कि आपको इस दौरान अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फूड आइटम्स जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ इस दौरान लेनी है, बहुत ज़्यादा कच्चे फल फूल आपको अपनी डाइट में लेने हैं, जैसे कि किसी भी तरह का फल आप ले सकते हैं, एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया, किसी भी तरह का आप यहाँ पर फल ले सकते हैं। पपाया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एप्पल भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, इससे आपका डाइजेशन सही होता है, लिवर पर कम जोर पड़ता है, उसकी रिकवरी रेट फास्ट हो जाती है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस दौरान अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करनी चाहिए, वैसे हम रोज़ खाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पहली चीज़ है जिंजर यानी कि अदरक, आपको लेना है गार्लिक यानी कि लहसुन, आपको लेना है टर्मरिक यानी कि हल्दी, और आपको लेने हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। ये चार चीज़ें आप अपनी डाइट में थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे, इससे क्या होता है इनमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जो आपकी बीमारी अगर आपके अंदर कोई हो रही है बॉडी के अंदर, जो कि जैसे कि मैंने बात कर रहा था मैं तीसरी जो कॉज है जिसकी वजह से आपको ये हेपेटाइटिस हो रहा है उसमें भी ये उसको रिड्यूस करने में बहुत मदद करती है, तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। कोई भी बीमारी होगी तो इनमें एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसको सॉर्ट आउट करने में, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप खाना खाने बैठे हैं तो आपकी थाली में आधा तो फल सब्जियाँ होनी चाहिए, कच्ची फल सब्जियाँ, और आधे में आपका होना चाहिए जो भी आप मील लेने वाले हैं, और मील हल्के से हल्का होगा तो बहुत अच्छा होगा। वैसे आप नॉर्मल रोटी सब्जी या दाल चावल जो भी खाते हैं वो बड़ी आसानी से खा सकते हैं इस दौरान, लेकिन ख़ास ख्याल रखें कि आप उसकी सब्जी में या फिर दाल में ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए,
क्योंकि इन चीज़ों को आपको इस दौरान अवॉइड करना है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, लिवर पर कम जोर पड़ेगा और बहुत जल्दी रिकवरी होने लगेगी। लेकिन खास ख्याल रखें कि बाजार से लाने वाला पैक्ड जूस या फूड आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इन प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी के लिए एक तरह से टॉक्सिक हैं, जिनको हटाने का काम करता है लिवर। तो अगर आप उन चीज़ों को पिएंगे तो वो वापस से लिवर के पास आएगी, लिवर बेचारा पहले ही बीमार है और काम करना पड़ेगा तो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो फ्रेश जूस घर में ही बना के पीजिए और बेस्ट है इसमें लौकी का जूस, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लौकी का जूस पी सकें तो बहुत बेस्ट होगा इस दौरान। एक और चीज़ है जो कि आपको जॉइंटेस या पीलिया के दौरान रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, वो है गन्ने का जूस यानी कि शुगर केन जूस, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत सारे मिनरल्स के साथ होता है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो रिकवरी रेट है वो बहुत फास्ट हो जाती है। और इसी के साथ आपको अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, अलसी के दाने लेने चाहिए, आपको बादाम लेना चाहिए और अखरोट लेना चाहिए। इनमें क्या होता है, भारी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी सुचालू रूप से काम करने लगती है और इससे आपकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये तो थे वो फूड आइटम्स जो कि जॉइंटिस के दौरान आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए या फिर अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं उन बेस्ट होम रेमेडीज़ के बारे में, जिससे आप जॉइंटिस को मात्र 3 से 5 दिन के अंदर पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। पहली जो होम रेमेडी है वो है अरंडी के पत्तों की। अरंडी के पत्तों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अरंड के पत्ते या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाता है कैस्टर लीव्स, कैस्टर लीव्स इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में। ये प्लांट आपको रोड साइड भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, झाड़ियों की तरह बहुत उगते हैं, कई बार आपको नहीं मिल पाए ऐसे शहरों में, कई बार नहीं मिल पाते हैं, तो आप इसे प्लांट को नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके पत्तों को लेकर इसका जूस बनाना है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर में आप बड़ी आसानी से इसका जूस बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर जूस बना लीजिए और 3 से 5 चम्मच आपको सुबह खाली पेट पीना है इसको, 3 से 5 चम्मच आप इसे खाली पेट पीजिए 5 से 7 दिन तक, आपका जॉइंटिस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी है सर्वकल्प क्वाथ। ये एक तरह का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि पतंजलि आयुर्वेद में आपको मिलेगा, पतंजलि आरोग्य केंद्र में आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं किसी चीज़ का स्पॉन्सर या फिर इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसे वहाँ से खरीद सकते हैं। एक तरह का काढ़ा है जिसे आप घर में बनाकर दिन में 2 बार पीजिए, 7 दिन तक आपका जॉइंटिस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो ये थी वो 3 चीज़ें जिससे आप जॉइंटिस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, अगर आपको नई नई जगह घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मेरा व्लॉग चैनल है जिसमें मैंने काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज अपलोड किए हुए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किन किन जगह घूमने जाना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी है, कितना बजट आपको चाहिए, कितना टाइम लगेगा घूमने में, कैसे आप जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ में आपको मज़ा भी आएगा देखने का और एंटरटेनमेंट आपको इससे भरपूर मिलेगा। तो अगर आप मेरी ट्रैवल सीरीज़ मेरे व्लॉग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो जाइए, जाकर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।